हेलो फ्रेंड्स, अफरोज के हुनर चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सब लोगों के साथ में बनाने वाले हैं कुछ ऐसे फूल जिन्हें हम नेट से बनाने वाले हैं, या तो जो कि घर में भी मिल जाती है बहुत आराम से, और अगर जिसके पास में घर में नहीं है जैसे, तो फिर आप बाहर मार्केट से भी बहुत ही कम रेट में ले सकते हैं। अरे दुपट्टे वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो उनसे भी बन सकता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए ये सामान, ऊन, ग्लू, तार और ये हमारी नेट जो कि मैंने पिंक और ग्रीन कलर की ली है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसे तारों को काट लिया है कम, और अब हम इससे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई ऐसी साइज़ की चीज़ ले लेंगे जिससे इसमें गुलाई आ जाए। तो इसके लिए मैंने ये डिब्बी ले ली है, इसी से हम अपनी पत्तियों को बनाएंगे। और इसके लिए इसको हम सबसे पहले इसके ऊपर तार रखकर इस तरह से एक साइड से इसको मोड़ देंगे और इसको दबा करके थोड़ा सा मोड़ेंगे जो कि इस ये टाइट बंधे। और ये देखिए, ये गोल हमारा सांचा तैयार हो गया और हम इसी में अब नेट को बांधेंगे और पत्तियों को बनाएंगे। ये मैंने सेम इसी कलर का धागा ले लिया है जिस कलर की हमारी नेट है। और हमें बस इसके ऊपर रखकर बस इसी तरह से बांध देना है इसे। और जब तक हम इसे बनाते हैं, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के बाद में आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वैसे तो ये बहुत से लोग जो है इसे नायलॉन के कपड़े से बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह नेट से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने बहुत सारी पत्तियों को बना कर रखा है और अब हम इन्हीं पत्तियों से फूल बनाएंगे। तो फूल बनाने से पहले हम पत्तियों में थोड़ा शेप देंगे, थोड़ा सा हल्का सा मोड़ करके इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से कर देंगे जो कि ये फूल बनने पर अच्छा लगेगा। इसके बाद में हम फूल बनाने के लिए तार के साथ में एक एक करके इन पत्तियों को धागे से बांधेंगे और उसके बाद में फिर हम पूरा फूल तैयार करेंगे। और ये पंखुड़ियाँ मेरी लग गई हैं, अब हम इस ऊन से इसको बांधेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें लगा लेंगे ग्लू और उसके बाद में फिर हम इसके ऊपर से हम इस पर ऊन लपेटते चले जाएंगे और गहनी भी तैयार इसके साथ में हो जाएगी।
और ये देखिए मैंने अब फूल के साथ में एक कली जैसा भी बना लिया है और अपने फूल के बीच में हम एक मोती लगाएंगे जिससे ये ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। इसके बाद में हम बनाएंगे इसकी लीव्स। लीव्स को बनाने के लिए हम बड़ा रिंग बनाएंगे और जिस तरह से हमने फूल के लिए पत्तियों को बनाया था बस सेम उसी तरह से हम इसमें भी नेट लगाकर इनकी पत्तियों को तैयार करेंगे। और ये देखिए मेरे फूल बनकर तैयार हैं और इसे मैंने टहनी में सब लगा दिया है। लगने के बाद में ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और सभी के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।